हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल गोल्स। भाई दिन आज थी हमारी जो तारीख 24, दिन था हमारा शुक्रवार, टाइम हो रहा 3:13। भाई आज हमने ट्रेड की और हमने क्या 8,500 रुपये का प्रॉफिट कमाया। भाई आपको स्क्रीन पर तीन ट्रेड दिख रही होंगी, 12,200 की कॉल, 12,250 की पुट और 12,200 की पुट। इन तीनों को हमने शॉर्ट किया था और तीनों को मिला के हमारा प्रॉफिट हुआ 8,500 रुपये का। ठीक है भाई, जो हम ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आस्था ट्रेड का, क्योंकि हम आस्था को यूज़ करते हैं केवल इंट्राडे पर्पस के लिए, क्योंकि ये भाई हमको मार्जिन जॉब बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। भाई ऑप्शन सेलिंग में आप एक लॉट को 2,500 रुपये में सेल कर सकते हैं। तो भाई मैं अभी बताता हूँ आपको, देखो जो ये तीनों ट्रेड हैं, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट इन तीनों ट्रेड की समरी बताऊँगा कि भाई जब मैंने ट्रेड ओपन की तब मेरा व्यू क्या था, मैंने टेक्निकल में क्या देखा, साइकोलॉजी मैंने क्या देखी और स्ट्रेटजी मेरी क्या थी, कहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक करना था, कहाँ पर मेरी एंट्री थी। ठीक है, तो देखो आपको जो 12,200 की कॉल है उसमें क्या 7,100 रुपये का लॉस हो रहा है, और देखो एक 12,200 की पुट में मेरे को 12,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई मेरी आज का जो वीडियो का जब फोकस होगा वो रहेगी साइकोलॉजी, बेस्ड ऑन के भाई जब आप लॉस कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं और जब प्रॉफिट कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, ताकि आपका जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो अच्छा चलता रहे। ठीक है, तो देखो हम जो आज जो हमको पहली ट्रेड में 7,100 रुपये का लॉस हुआ, हम इसको ज़्यादा थोड़ा फोकस रखेंगे ताकि जो हमने इससे गलती हुई है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि फ्यूचर में आपसे गलती ना हो पाए। और जो हमारी नीचे वाली ट्रेड है जिसमें हमने 12,000 का प्रॉफिट किया, उसको भी हम थोड़ा फोकस करके आपको बताएंगे, ताकि कि भाई जब आपको प्रॉफिट हो रहा तो अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। तो अभी पहले हम ट्रेड बुक में चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या ट्रेड किया। तो हम पहली वाली ट्रेड को हम सबसे पहले नोट आपको बताएंगे। भाई 9:25 पे हमने क्या है 12,200 की कॉल को शॉर्ट किया था 56 रुपये पे, और हमने इसमें लॉस बुक कर लिया 71 रुपये पे। ठीक है, मतलब लगभग 72 रुपये पे, मान लो 9:31, मतलब केवल 6 मिनट में हमने 7,100 रुपये का लॉस कर लिया। ठीक है, तो 450 क्वांटिटी। तो अभी हम चलते हैं चार्ट की तरफ और आपको बताने की कोशिश करते हैं, और इस लॉस के पीछे साइकोलॉजी भी आपको बताने की कोशिश मैं करूँगा, ताकि आपसे ये गलती ना हो। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं भाइयों, एक मिनट देखो देखो यार ये वाली जो कैंडल थी, देखो यहाँ पे आज हमारा मार्केट ओपन हुआ था, मतलब यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ था 12,175 के आसपास मार्केट हमारा ओपन हुआ था, और भयंकर तरीके से एक ही कैंडल में 12,160 के आसपास हमारा आया, फिर उसके साथ पास उसके नीचे एक और मतलब थोड़ा सा गया और 154 के आसपास तक गया था। तो भाई आपने जब मैंने आपको ट्रेड बुक दिखाया था तो भाई आपको ने देखा होगा कि भाई मैंने 9:25 पे ही ट्रेड ओपन कर ली थी और 9:31 पे मैंने लॉस भी बुक कर लिया था। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो मुझे इस ट्रेड में जो लॉस हुआ है उसका मैं रीज़न आपको मैं बताता हूं। पहला रीज़न ये कि भाई मैंने ब्लाइंडली ट्रेड लिया, कहने का मतलब भाई मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं कि भाई मार्केट खुला और मतलब 9:15 मार्केट खुला, 9:25 पे मैंने ट्रेड ले ली 10 मिनट, भाई मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि भाई मार्केट कहाँ जाएगा। तो भाई वो उसका रीज़न ये था कि आज के लॉस का, कि भाई मैंने तुरंत ट्रेड ले ली, जो 7,100 रुपये का हमको लॉस हुआ भाई हमने तुरंत ट्रेड उसमें ले ली। तो भाई ऐसा नहीं करना। देखो भाई आदमी क्या है, जो ट्रेडिंग है जब हम करते हैं तो भाई मतलब साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह तो भाई सब करते ही हैं, पर साइकोलॉजी जिसकी जितनी अच्छी बेहतर होगी वो उतना मुनाफा कमाएगा। तो भाई देखो हमने, देखो सिंपल बात है, मैं अब खुद अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करूँगा, मार्केट खुला गिरने लग गया भाई मैंने तुरंत 12,200 की कॉल को शॉर्ट कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि भाई अब देखो मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं कि मार्केट खुला और मुझे पता भी लग गया भाई मुझे सपना थोड़े ना आएगा कि भाई मार्केट गिरेगा, तो हमको क्या करना है थोड़ा देर मार्केट को वेट करना है, मतलब कम से कम आधा घंटा तो आपको मार्केट को देखना है कि भाई मार्केट की दिशा किधर जा रही है। जब आपको दिशा पता लग जाएगी तभी आपको ट्रेड करना, पहली गलती। देखो अभी मैं आपको इसी ट्रेड में एक गलती और बताता हूँ कि ये मेरी गलती क्यों हुई, कि मतलब मैंने मार्केट खुलते ट्रेड क्यों कर लिया कि भाई कल हमको काफ़ी अच्छा 24,000 कुछ का प्रॉफिट हुआ था, तो वही वो एक दिमाग में बैठा रहता कि भाई मुझे तो कल 24,000 का प्रॉफिट हुआ, भाई मैं तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, मेरे को तो ओवर कॉन्फिडेंस वाला सिनारियो मेरे साथ बन गया। मैं खुद बताऊंगा अपनी गलती, मैं खुद बताऊंगा कि भाई क्यों कल मुझे 24,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आज थोड़ा ना होगा, तो मतलब समझ रहे हो ना, पर मार्केट से बड़ा कोई नहीं। और भाई हमने ट्रेड लिया और विद इन छः मिनट में भाई हमको 7,100 रुपये का लॉस हो गया। दूसरी गलती मैं अपनी बताता हूँ, भाई मैं हमेशा 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, पर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, जबकि मुझे कल एक्सपायरी पे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था 24,000 का, उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मेरे को 16 पॉइंट्स मतलब 7,100 रुपये का लॉस हो गया। तो ठीक है, देखो
यहाँ पे क्या, मेरे को, मैंने आपको अपनी तीनों गलतियाँ बता दी कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ओवर कॉन्फिडेंस और पहली कैंडल पे ही मैंने ट्रेड ले लिया। हमको कम से कम भाई 6-5 मिनट की 5-6 कैंडल बनने का वेट करना, तब हमको ट्रेड लेना, ठीक है। तो और देखो, हालांकि मैं जो मेरा ये मूविंग एवरेज और जो आपको लाइन्स ड्रॉ दिख रही होंगी इस चार्ट पे, मैं इनको हिसाब से ही देख के ट्रेड लेता हूं, पर जैसे मार्केट खुला मैंने ब्लाइंडली ट्रेड ले लिया और मेरे को फटाक से मार्केट ने एक अच्छा रिवार्ड दे दिया, एक मेरे गाल पे एक अच्छा चांटा मार दिया किसका, लॉस का, ठीक है। तो मेरी पहली ट्रेड में मेरे को 7100 रुपये का लॉस हो गया। तो ये तो था। फिर देखो, जबकि मेरा जो सेटअप रहता आज, मतलब जो मैं मूविंग एवरेज और जो मेरे सपोर्ट रेसिस्टेंस वाली लाइन है, इन पे भी, इनकी वजह से भी मेरे को क्या, मेरे को कोई सिग्नल नहीं मिला और मैंने ट्रेड ले लिया और मेरे को फटाक से लॉस हो गया। देखो, मैं आपको ये तीन लाइन दिख रही होंगी, इसमें क्या भाई 20, 10 और 50 का मूविंग एवरेज मैं लगा के रखता हूँ एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जब ये मेरे को तीनों सिग्नल देती हैं तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि मेरे को यहाँ पे सिग्नल, देखो जब मेरे को प्रॉफिट, मेरे को लॉस हो गया, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कम, लॉस हमारा कम होना चाहिए और प्रॉफिट का रिवार्ड हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो भाई पहली ट्रेड का आपको पता लग गया होगा। तो अब मैं चलता हूँ अपनी दूसरी ट्रेड की तरफ, ठीक है, जो हमारी जब हमने ली थी, एक मिनट, जो हमारी ये दूसरी ट्रेड थी मेरी 12200 की पुट, इसमें मेरे को 12352 का प्रॉफिट हुआ। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे मेरी साइकोलॉजी क्या थी, वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ट्रेड की तरफ, ट्रेड बुक की तरफ। भाई देखो, मैंने क्या किया था, 9:35 पे, ठीक है, 9:35 पे 72 रुपये पे मैंने इसको शॉर्ट किया था 450 क्वांटिटी और 10:85, मतलब तकरीबन 1.25 घंटे के बाद मैंने 45 रुपये पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो आप एक बात गौर करके देखना भाई, मैंने लॉस कितना लिया था 16 पॉइंट्स का और मैंने प्रॉफिट कितना किया, आप देख सकते हैं भाई, मैंने लिया है कम से कम 27-28 पॉइंट्स का प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं आपको यही दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, अभी मैं उसका पहले मैं आपको टेक्निकल बता देता हूँ कि मैंने क्या देख के वो ट्रेड ली थी, ठीक है। 12200 की पुट को मैंने क्या देख के लिया था भाई, देखो हमारा पहला स्टॉप लॉस तो मैंने लगाया था, पहले में हमको लॉस हो गया। तो भाई जब क्या है, देखो मेरा जो मेरा वो था कि देखो, ये वाली जो लाइन है हमारी मूविंग एवरेज की वाइट वाली, ये हमारी 20 रेड वाली 20 की है और जो वाइट वाली वो हमारी 10 की है। तो भाई जब यहाँ पे हम एक बड़ी सी, देखो हमारा 12154 का जो हमारे जो लाइन ड्रॉ की हुई है बिल्कुल नीचे आपको दिख रही होगी, जब वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक अच्छी कैंडल बनाई और जब इस कैंडल ने हमारे जो 10 का जो मूविंग एवरेज उसके ऊपर क्लोज दिया, तभी मेरे को मतलब दूसरी ट्रेड का मौका मिला और मैंने दूसरी ट्रेड डाल दी। उसमें मैंने क्या 12200 की पुट को शॉर्ट कर दिया, 12200 था, मैं एक मिनट में देख लेता हूँ भाई, 12200 की पुट ही थी, ठीक है, 12200 की पुट को मैंने तुरंत शॉर्ट कर दिया, ठीक है। एक मिनट भाई, ठीक है, मैंने क्या भाई 12200 की पुट को शॉर्ट कर दिया। देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, चलो अब हमने ट्रेड ले ली, ठीक है। देखो मेरा सिंपल दूसरी वाली में भाई मैं बिल्कुल अलर्ट हो गया, मैंने बोल दिया कि अगर मार्केट 12154 के नीचे जाएगा मैं अपना स्टॉप लॉस, मैं जो भाई अपना लॉस है बुक कर लूंगा सिंपल। भाई पहली ट्रेड में मैंने 9 सीखे के तरीके काम किया, पर दूसरी में भाई मेरे को चाटा, मतलब मार्केट ने जो मेरे को थप्पड़ पड़ गया उसके बाद मेरे को अकल आ गई और मैंने भाई तुरंत दूसरी ट्रेड अच्छे तरीके सोच समझ के डाल दी। भाई मेरा नीचे 12154 के नीचे अगर जाता तो मैं अपनी अपना लॉस बुक कर लेता। तो देखो पहली ट्रेड में 16 पॉइंट्स का लॉस लेने के बाद अब भाई हम दोबारा हमने ट्रेड डाल दी, ठीक है, मतलब बुलिश साइड में। अब भाई देखो जैसे हमने ट्रेड ली उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस भागा, ठीक है, मतलब 12180 के आसपास हमने ट्रेड ली थी और कंटिन्यूस भागा। उसके बाद भाई मार्केट भागते भागते यहाँ पहुँचा, ठीक है, ये पहुँचा भाई मार्केट मुझे 250, ठीक है, 10:20, ठीक है ना भाई। देखो मैं बताता हूँ, देखो 28-30 पॉइंट का प्रॉफिट लेना ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाली बात है। जैसे ही हमको ब्रेकआउट मिला हमने ब्रेकआउट पकड़ लिया और हमने ट्रेड डाल दी। उसमें भाई कई बार ऐसा होगा कि आपको जैसे पहले 2000 का प्रॉफिट हो रहा था, फिर क्या आपको 5000 का प्रॉफिट हो रहा था, फिर वो 5000 का प्रॉफिट 2000 का आ जाएगा। कई बार आप खुद सोचोगे कि भाई आपको कितनी बार हुआ होगा, 7000 का प्रॉफिट हो रहा होगा कभी, फिर वो 5000 का। पर देखो मेरे को अपने सेटअप पे पूरा बिलीव था इस वाली ट्रेड में कि भाई मार्केट का जो लास्ट जो हमारा रेसिस्टेंस वो फेस करेगा, जो हमारा लाइन ड्रॉ हुई थी, जो हमारा पीवोट था वो था 12250, उससे पहले नहीं रुकना। और देखो सिंपल बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप ट्रेंड के साथ जाते हो तो पहले मार्केट एक लाइन में नहीं चलेगा, पहले कुछ बढ़ेगा फिर थोड़ा घटेगा फिर बढ़ेगा फिर थोड़ा घटेगा, तो उसी लाइन में चल रहा। देखो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मिनट, अब इस वाली कैंडल को देखो, यहाँ तक आया मार्केट, यहाँ तक एक देखो 4 कैंडलों में इतना पहुँचा, फिर थोड़ा गिरा,
थोड़ा गिरने के बाद फिर भगने लग गया। तो भाई मुझे पता था कि मुझे 12,250 पे अपना प्रॉफिट बुक करना, जैसे मार्केट वहाँ पहुँचा मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 12,000 को। तो मैं आपको एक सीख और देता हूँ कि जब हमको लॉस हो रहा है तो छोटा लॉस रखो, और जब हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हमको भाई हम आप ऐसी आदत डालो कि भाई प्रॉफिट हमको पूरा मिलना चाहिए। कहने का मतलब पूरा मिलना चाहिए कि आप लॉस कम हो आपका प्रॉफिट पूरा हो। तो उसमें आप कैसे काम कर सकते हो कि भाई आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको लालची नहीं बनना उस टाइम पे, ठीक है। लालची में देखो एक लालची आदमी होता है कि भाई कि हाँ भाई और मिल जाए और मिल जाए, ठीक है ना। तो हाँ कि आपको वहाँ पे लालची बनना है, ठीक है, मार्केट में क्या आपको वहाँ पे लालची बनना है। तो आप देख रहे हो मैंने इतनी दूर जाके अपना प्रॉफिट बुक किया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर देखो मैं आपको बताता हूँ, फिर हमारी जो तीसरी ट्रेड थी, ठीक है, फिर हमने क्या भाई हमने क्या मार्केट में वेट किया, फिर हमने 12,250 की पुट को शॉर्ट किया, ठीक है। मैं इसकी ट्रेड बुक दिखाता हूँ आपको। हमने भाई अब तक 5,000 का प्रॉफिट ले चुका था दोनों में मिला के। फिर मैंने वेट किया और 11:46 पे मैंने 65 पे भाई 12,250 की पुट को अगेन शॉर्ट किया 450 क्वांटिटी, और 1:19 पे मैंने 58 रुपये में मतलब 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट ले लिया। इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ तकरीबन 3,300 रुपये का। तो मैं इसकी साइकोलॉजी भी आपको बता देता हूँ। तो मैं भाई हमेशा आपको बताता हूँ कि जब आपको एक बार ट्रेंड पता लग गया, भाई पहली कॉल में मेरे को नुकसान हो गया, फिर हमको पता लग गया कि भाई मार्केट पुट शॉर्ट करने के फेवर में आज, तो मतलब हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, तो भाई आप गिरावट में ही फिर बाई करेंगे। तो भाई हम भाई गिरावट का वेट करने लग गए। जब इसने अपना हाई बनाया तो फिर देखो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल जो बना हुआ है ना ये वाला, भाई हमने अपना एनालाइज करके हम बैठ गए और फिर वेट करने लग गए अपनी ट्रेड का, ठीक है। जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ना, देखो ये वाला ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखो ये वाला लंबा, कितना लंबा ब्रेकआउट है भाई। जैसे ही हमारे जो मूविंग एवरेज वाला जो हमारा सिनारियो, इसने हमको सिग्नल दिया, और जैसे जो हमारा जो ट्राइंगल ब्रेकआउट हुआ, तब हमने वो वाली अपनी तीसरी ट्रेड भी डाल दी। और उसमें भाई एक्चुअली मैं बताऊँ, मैंने उसमें प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया क्योंकि मेरे को कहीं काम था और जाना था, फिर मैंने इसलिए अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, वरना मैं उसको आराम से लेके बैठता। मैं बहुत ज़्यादा श्योर था आज के लिए कि जब ट्राइंगल ब्रेकआउट होता तो इतनी जल्दी ब्रेकआउट खत्म नहीं होता, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल से ब्रेकआउट मारो, देखो फिर मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो देखो अगर ट्राइंगल से ब्रेकआउट भी होगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ट्रेडिंग से ज्यादा एनालिसिस से ज्यादा भाई आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है, आपकी साइकोलॉजी ही आपको पैसा कमा के देगी। एनालिसिस एक बार को गलत हो जाएगा तो चलेगा, पर आपकी साइकोलॉजी गलत हो जाएगी ना तो भाई आप सरवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में, ठीक है। और हम क्या भाई ऑप्शन सेल करते हैं केवल, ठीक है। तो आप मैंने आपको बताया पूरा सार। देखो एक्चुअली में क्या मेरा लैपटॉप थोड़ा खराब हुआ, उसमें पानी डल गया था, तो शायद 1-2 तारीख को आएगा, तब तक भाई हम फोन से ही काम चला रहे हैं। फोन पर ही आपको समझाने की भाई जितनी कोशिश हो रही है उतना समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि भाई ऐसे करना, बाकी जब लैपटॉप आ जाएगा तो और अच्छे से और इफेक्टिवली आपको वीडियो बना के हम सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपना आस्था ट्रेड में, ठीक है। तो अभी मार्केट 3:26 हो रखे हैं, तो अभी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो ये मेरा जो आज का जो वीडियो टेक्निकल पर्पज़ नहीं, आज मैं आपको साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मार्केट अगर आप मार्केट से को आंख दिखाओगे ना तो मार्केट आपको चारों खाने चित कर देगा, जैसे आज मेरे को पहली ट्रेड में कर दिया, ठीक है ना। तो आप कॉशियस रह के ट्रेड करिए, मार्केट की रेस्पेक्ट करिए, अपने आप को मार्केट से बड़ा मत समझिए, ठीक है। और हम कोई मार्केट से बड़ा नहीं, मार्केट सबसे बड़ा। चलो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बाय दोस्तों।